हेलो जी, तो गुड मॉर्निंग। और आज ही सैटरडे और ये मेरा नया ब्लॉग है। और कभी कभार तुम्हारा मन हुआ है ऐसा कि तुम करना नहीं चाहते हो पर तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है, वो चीज़ कर ला तो तुम करे जा रहे हो। मतलब हर चीज़ में लागू होती है चीज़, मतलब रिलेशनशिप वगैरह और मेरा काम हो गया, जैसे ब्लॉग हो गया और ऑफिस वगैरह हो गया, सब चीज़ में मतलब मन नहीं है तुम्हारा। हाँ अच्छा, मुझे नहीं कह रहे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऑफिस, जैसे ऑफिस हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया तुम्हारा, पर मन नहीं है, पर मजबूरी है जाना डेली करना, तो आज वैसा ही फील हो रहा है। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, रात में ढंग से सोया नहीं मैं और सुबह जल्दी उठ गया। सुबह मैं उठा था लगभग 6 बजे के आसपास और रात में लेट ही सोया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे मेरे को सोते सोते। तो आज मैं सिर्फ 2.5 घंटे सोया हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं कंटेंट के लिए, पर फिलहाल छोड़ते हैं अभी ये सारी बातें छोड़ते हैं। अब तो करना ही है। 30 दिन 30 व्लॉग का चैलेंज लिया तो वो तो कंप्लीट करेंगे ही। तो इस व्लॉग को पहले स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर बूम। और जो पुराने मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इंट्रो आने वाला कुछ टाइम में, और जो नए मैं उन्हें बताऊंगा कि भैया मेरे इंट्रो पे, पहले वाले इंट्रो पे कॉपीराइट आ गया था, उन्हें नहीं देखा वो वाला ब्लॉग तो जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके चेक कर लो। और अभी देखते हैं क्या कर सकते, अभी तो मैं एडिट कर रहा था। और पता नहीं गाइस हर बार ऐसा सीन क्यों होता है जब जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो चीज मिलती नहीं है। और कल मेरी अभिजीत से बात हुई थी, तो मैं पिछले व्लॉग में हेलमेट देने गया था कि भाई मिलेंगे और चलेंगे ठीक है कहीं ना कहीं, और अब फोन नहीं उठा रहा है, मतलब फोन ऑफ जा रहा है बंदे का। और टाइम पता क्या हो रहा है, 11:30 बज रहे अभी और फोन ऑफ जा रहा है। बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो मन कर रहा घर जाऊं और पड़ा पैड तब आएगा मजा और व्लॉग भी बनेगा, कंटेंट भी अच्छा है। चलो छोड़ो, जब उठेगा तब कॉल करेगा। अभी मेरे को नीचे जाना है, फ्रेश वगैरह होता हूँ और सोचता हूँ कि भाई आगे क्या करना है अब, क्योंकि वो तो फोन उठा नहीं रहा है, मतलब फोन ऑफ जा रहा है उसका। जब ऑन करेगा तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल व्लॉग तो करना ही है मुझे ना, है ना, तब की तब देखेंगे। हाँ भाई क्या कर रहा है, बाहर कर ले रहे जी। तो अभी अगर तुम्हें आवाज आई होगी तो वो भाई जेट हैं और 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, वही तो जेट जा रहे मेरे घर के पास से, तो उनकी आवाज होगी। और अभी पराठे तोड़ के आ रहे भाई, तो वो सब मैं चीजें इतना ज्यादा दिखाता नहीं हूँ, थोड़ा अपना भी पर्सनल टाइम भी होता है तो इस चक्कर में। और दूसरा एक सेकेंड लाइट एक कर दो, हाँ अब ठीक है, फिर भी रेडी कर देता हूँ, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, हाँ ये ठीक है। हाँ जी भाई, तो आज थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ भाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है भाई, मतलब बिल्कुल मन नहीं हो रहा है भाई व्लॉग करने का बिल्कुल भी। लगभग मेरे को 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन 20 व्लॉग, जिसमें घर में से मैंने 2 बार सुनी है कि तू क्या कर रहा है ये वो, और अब है तो है। और 20 दिन में मुझे रियलाइज हुई ये चीज कि भैया इसमें जो तुम्हारी प्राइवेसी होती है वो थोड़ी हर्ट होती है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो तुम रिकॉर्ड करना चाहते नहीं हो पर वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा एक कंटेंट है, कंटेंट तो सब कुछ ही है, व्लॉग बना रहे हो तुम एक ठीक है। तो इस चक्कर में मेरे को अभी तक फील हुई है 20 दिन में, कुछ ज्यादा जल्दी फील हो गई मेरे को ऐसा लग रहा है, इतनी जल्दी फील होनी नहीं चाहिए थी। और आज मेरे को 2 काम है, एक मेरे को नजफगढ़ जाना है और एक मेरे को तिलक नगर जाना है। और नजफगढ़ ऐसे है और तिलक नगर ऐसे है, मतलब रास्ते में ही नहीं है दोनों चीजें। अब मैं अपने घर से निकलूँ तो राइट हैंड साइड पे जाऊंगा, ये तुम्हारा लेफ्ट तो नहीं होगा कहीं, छोड़ो तुम समझो, भावनाएं समझो बस। अपने घर से निकलने के बाद राइट हैंड साइड जाऊंगा तो मेरे को नजफगढ़ जाना पड़ेगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो मेरे को तिलक नगर जाना पड़ेगा। अगर मैं पहले तिलक नगर जाता हूँ और घर के सामने से होते हुए नजफगढ़ जाना पड़ेगा, अगर मैं नजफगढ़ जाता हूँ सामने से होते हुए घर के फिर मेरे को तिलक नगर जाना पड़ेगा, और दोनों में से एक जगह जाना जरूरी है, मतलब अगर काम हो जाता है तो, क्योंकि तिलक नगर में अगर काम नहीं हुआ तो मेरे को नजफगढ़ जाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और मन बिल्कुल भी नहीं है मेरा, मेरा मन कर रहा है कि मैं रेस्ट कर लूँ। कल मैंने रेस्ट करके ना गलती करी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कल पिछले व्लॉग में जो मैंने फीफा के लिए आराम से चिल मारा मजे मारे वो मैंने गलती करी है, और अभी जो शिवम है मेरे मामा का लड़का वो जा चुका है, तो मतलब घर जा चुका है भाई, उल्टा सीधा नहीं ठीक है, घर जा चुका है। अब वो आएगा मेरे ख्याल से 29 तारीख को, तो तब मिलेंगे उससे, अभी उसे काम था कुछ ऑफिस का, भाई ऑफिस है ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसका, तो ये है इशू। तो अभी देखता हूँ मैं किस साइड जाऊँ, अभी अभिजीत के पास कॉल करते, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना तुम्हें दिखाता हूँ। आई विश कि स्विच ऑफ जा रहा हो
अभी भी। आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे कृपया। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बंदे ने रात की बात होने के बाद, जब मैं पिछली बार मिला हूँ, मतलब पिछले से पिछले व्लॉग में जब मैं मिला हूँ, पता नहीं ब्लॉक किया है या फिर सच में ऑफ जा रहा है फोन, क्योंकि भाई 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे तक फोन ऑफ, मतलब सो रहा है बंदा, विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। मतलब मैं भी सोता था, ठीक है चिल्मा, चलो मैं देखता हूँ एक बार, मम्मी से डिस्कस करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि किधर जाना सही रहेगा, ठीक है, तो पीस आउट। तो हेलो जी, तो अभी अभी अभिजीत का फोन आया और भाई साहब सो रहे थे, अभी टाइम पता कितना हो रहा है, 3:30 बजे फोन आया और भाई दिमाग फट रहा था मेरा, पता है बोलना नहीं चाहिए वैसे, पर बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे मेरे दिमाग में, और मैं अपना काम, एक्चुअली मैं काम में बसा हुआ था, वरना अभी तक मैं उसके घर पे भी होता, बस बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मन हल्का होता है इस चक्कर में, जरूरी नहीं है वैसे ये बताना, ठीक है। और अभी वो आएगा थोड़ी देर में, अब तो पूरा दिन ही बीत चुका है, पता नहीं क्या करूंगा मैं। और नजफगढ़ का काम मेरा 2:30 बजे के आसपास था, वो भी छूट गया, अब वो भी नहीं कर सकता, अब अगले दिन करूंगा, मतलब कल करूंगा वो काम, जल्दी करना पड़ेगा तो वो करूंगा। आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। अभी मैं फिलहाल शॉप पे हूँ अपने पापा की, मतलब अपनी शॉप पे ही हूँ, पापा और मेरा क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी शॉप पे ही हूँ। और अभी मैं सामान, मतलब अभी काम वाम संभाल रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि आज पापा नहीं है, पापा गए मैं गाँव पानीपत और बड़ौत और नागल सहारनपुर, तो ये सब जगह मतलब बता रहा था, ऐसी शेयर कर रहा था, तो वहाँ गए, आज मैं शॉप संभाल रहा हूँ, तो इस चक्कर में पीस आउट। हेलो जी, तो अभी अभी घर आया था और अभी खिचड़ी खा रहा हूँ, आज खिचड़ी बनाई है। तो अभी अभिजीत आ रहा है, अभिजीत के बाद फिर मेरे को नजफगढ़ जाना है, फिर देखते हैं, अगर मिलता है सामान तो पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम तो जा चुका है भैया, पर देखेंगे, पहले लंच करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, क्या नहीं मम्मी ने मेरी बहन बैठी है वो भी खा रही है। हेलो जी, तो आ चुके अपन घर पे, अभिजीत भी अभी मेरे साथ, वो नीचे गया नमक पारे लेने, आ ही रहा होगा, आवाज तो आ रही थी कदमों की। और जो नजफगढ़ में काम करना था भैया नहीं हुआ, क्योंकि वो बंद हो जाता है ऑफिस, 3 बजे तक ही बंद हो जाता है, उन्होंने लास्ट दाई इसी वजह से बोला था मेरे को, और ऑफिस बंद हो गया था। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था ऑफिस है, वो काम अभी नहीं बता सकता, क्योंकि काम ना मेरा थोड़ा पाँव को लेके है वो काम, और अभिजीत आ गया मेरे पीछे, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस व्लॉग को, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का, अपना बाय बाय। और देखो पता है मुझे इस व्लॉग में कुछ भी नहीं था भाई, ये भैया फोन ही नहीं उठा रहे थे भैया, 3:30 बजे तो उठे सो के, देखो देखो 3:30 बजे तो उठे सो के भैया, तो इस वजह से काम ही छूट गया, पर कोई बात नहीं, चलता रहता है, अपन कल करेंगे वो वाला काम, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। पीस आउट।